हे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग में। और गाइस, आज मम्मी का फोन आया था और मम्मी ने एक खबर दी है मेरे को, जिसको सुन के मेरा दिल जो है वो बहुत खुश हुआ। कि अगर मेरी पुरानी ब्लॉग यानी कल की ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखी होगी तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल एक टेंशन के बारे में बात की थी कि मम्मी से थोड़ी बहुत मेरी अनबन हो चुकी थी और मम्मी कह रही थी कि यार वहां से बस नहीं मिल रही। तो मैंने बीच का रास्ता बताया था कि एक जगह पे चले जाओ, वहां से थोड़ी दूर 70 किलोमीटर दूर पे वहां पे वो जो हमको जहां पे जाना है वो मिलेगा। बट अभी क्या है कि गाइस वो वाली बस नहीं मिल रही है और डायरेक्ट धर्मनगर की बस मिल रही है। तो मम्मी ने कहा आपको ऑप्शन नहीं है तो वहीं पे जाना पड़ेगा। 10 घंटे का सफर है जो कि पहले 20 घंटे में होता था और अभी थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर हुआ है वहां पे। तो अभी जैसे नाइट की बस है 9:30 बजे की, तो अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग में 7:30 बजे वहां पे छोड़ देंगे। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, और बस की जो है गाइस एडवांस बुकिंग चल रही है। तो मम्मी ने एडवांस बुकिंग करा ली है संडे की, तो 20 तारीख को यानी संडे को शायद 20 तारीख है, मुझे बता नहीं, देखना पड़ेगा। तो 20 तारीख की या 21 तारीख की मम्मी की बस है रात के 9:30 बजे की, जो कि मम्मी को मंडे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 या 7 बजे छोड़ देगी। तो इस चीज़ को सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो बस शुरू हो चुकी है और रास्ता जो है थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। तो गाइज आज ब्लॉग में क्या बनाया, तो मैंने तो बताया कि भाई ये मम्मी का फोन आया था और मेरे को बहुत खुशी हुई है जान के। और मैं आपको अपना रूम दिखा रहा हूँ। देखो गाइज, रात का बिस्तर जो है वो अभी भी ऐसे ही पड़ा है और दिन में जो मैं और जैकी जो है वो कूलर में सोते हैं और रात को भैया हमको चाहिए एसी। तो गाइज ये हमारा एसी है जो मैं रात ही को चलाता हूँ सिर्फ, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली से है यार, पूरे दिन अगर एसी चलाएंगे तो भाई बिजली का जो बिल आएगा ना भाई दीवार निकाल देगा। तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं जितना हो सके जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके कंट्रोल करके चलाता हूँ। दिन में एसी चलाना, दिन में कूलर चलाना बहुत जरूरी है, तो जैकी का हालत खराब हो जाती है। तो दिन में वो चला लेते हैं और रात को तो मैं कम पावर में चलाता हूँ और थोड़ा ठंडा जब रूम हो जाता है तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है गाइज। तो खैर कोई दिक्कत नहीं गाइज, अभी मैं बिस्तर से ध्यान उठाऊंगा। और अभी का सीन ऐसा है गाइज, 8:15 बज चुकी है, आप देख सकते हैं घड़ी में, अगर आप देख पा रहे हैं तो 8:15 बज चुकी है और पूजा का टाइम हो चुका है। तो चलते हैं पूजा करते हैं भगवान की। 2 टाइम की पूजा बहुत जरूरी है गाइज, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अनुसार 2 टाइम की पूजा तो करनी करनी है यार। जब वो लोग नाम नहीं लूंगा, जब वो लोग 5 बार कर सकते हैं तो हम लोग यार 2 बार तो हमें करनी ही चाहिए यार। और मैं ये नहीं कहता कि गाइज भगवान को बार बार याद करो, 5 बार जोर जोर से बोलो कि हे भगवान हे भगवान आप सुनो आप सुनो, ऐसा नहीं है यार। भगवान को आप दिल से याद करोगे तो भगवान क्यों नहीं आपके सुनेंगे यार। बड़े बड़े लाउड स्पीकर में बोलने कोई जरूरत नहीं है, भगवान को दिल से याद करो, भगवान आपके सुनेंगे। तो गाइज अभी हो चुका पूजा का टाइम, तो मैं चलता हूँ पूजा करने। और पूजा जैसे ही कर लेता हूँ उसके बाद मुझे जैकी का खाना बनाना है और बाहर के जो डॉग्स हैं उनके लिए खाना बनाना है। और जो भी है, मैंने अभी तक जैकी को घुमाया भी नहीं है, शाम का समय हो चुका है, कुछ काम था तो मैं बाहर जाके कुछ सामान लेके आया था, तो उस चक्कर में जैकी को घुमा नहीं पाया था। तो अभी पहले पूजा करूंगा उसके बाद मैं जैकी को घुमाऊंगा। ये है मेरा पूजा का रूम और यहाँ पे देख सकते हैं अलमारी के अंदर सारे के सारे भगवान, जितने भी हमारे 33 कोटि जो भगवान है वो सारे के सारे यहाँ पे हैं, मेरी मम्मी ने सजाए हैं और मैं इनको मतलब दिल से मानता हूँ। और मैं मेरे जो फेवरेट जो भगवान है गाइस वो है हमारे वन एंड ओनली हैंडसम से भगवान, भगवान शिव। और हनुमान जी तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं गाइस। तो गाइस जो जो यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहा है और मतलब हनुमान जी को और शिव जी को पसंद करता है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना ओम नमः शिवाय और जय श्री राम जय श्री हनुमान। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे भगवान जी से प्रार्थना कर ली है कि मम्मी को जल्द से जल्द और सही सलामत पहुंचा दें जहाँ उन्हें जाना है। तो आई होप भगवान मेरी जल्दी सुनेंगे और सब कुछ अच्छे से कर देंगे यार। तो अभी गाइस अभी का सीन ऐसा है, अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ और जैकी को घुमाना है मेरे को। आप जैकी को देखिए यार, वो बेचारी इंतजार करती करती वहीं बैठ गई और इसको ना अभी मतलब घुमाना बहुत ज़रूरी है यार, फ्रेश नहीं हुई है। तो इसको मैं घुमा लेता हूँ गाइज और उसके बाद मिलता हूँ। उसके बाद मुझे रात का खाना वाना भी बनाना है, तो खाने में क्या बनाऊँगा वो भी मैं अभी डिसाइड मैंने किया नहीं है, तो मैं डिसाइड करके आपको बताऊँगा। और मतलब कुछ मतलब समझ नहीं आता यार, जब मम्मी नहीं होती तो कुछ समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली आप लोग भी अगर अकेले रहते हैं हॉस्टल में अगर रहते हैं तो आप लोगों को ही पता होगा कि मम्मी अगर नहीं होती है तो गाइज कैसा सीन होता है। कुछ फ्रिज में देखता हूँ कि फ्रिज में क्या पड़ा है। फ्रिज में देखो गाइस टमाटर पड़े हैं, कुछ पत्ता गोभी पड़ी है और पानी की बोतलों से मैंने पूरा फ्रिज भर दिया ताकि मुझे बार बार मतलब गर्म पानी ना पीना पड़े। सब्जियां मैंने मंगाई नहीं है, मैंने मम्मी को बोला था मैं दाल और ये सब भी खा लूंगा, दाल छोले जो भी है घर में, सूखी सब्जी है, सोयाबीन। हाँ गाइस आज मैं सोयाबीन जरूर बना सकता हूँ यार, कहते कहते मुझे याद आ गया, तो मैं सोयाबीन बना लेता हूँ और छोटी सी रेसिपी वगैरह कुछ भी अनसेंड जो भी बनाना है बना लूंगा मैं और खा लूंगा, पेट ही तो भरना है यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस मैं अभी जैकी को घुमा के आ चुका हूँ और अभी जो है मैं घुमा के आ चुका हूँ। सब्जी वब्जी भी बन चुकी है और सोयाबीन की सब्जी मैंने बना ली, आपको बोलते बोलते मेरे को आइडिया आया था, सोयाबीन सब्जी बना ली गाइस, चावल बना लिए। तो अभी मैं खाऊंगा और मैं दिखाया था ज़्यादा अच्छी तो सब्जी बनी नहीं है,
अब देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। ये है यार, सूख भी गई, अभी रात की क्या 12 बज गई है। और यार देखो ना, मम्मी के बिना क्या हालत होती है। मैंने बना तो ली है सब्जी, बट पता नहीं कैसी बनी है कैसी नहीं, देखो आप यार। ठीक है, पहले मैंने झोल तो रखा था इसके अंदर, बड़े सूख गई है। और चावल भी मैंने बना लिए हैं, तो अभी गाइस मैं खाना खाऊंगा। और अभी का सीन ऐसा है कि अभी देखो रात की ना 12 बज गई है यार, रात की 12 बज चुकी है और मैं अभी खाना खाऊंगा गाइस। तो खाना खा के ब्लॉग को एंड करेंगे, और कुछ छोटी मोटी बातें जो है वो आपसे करनी है। खाना खा लेता हूँ क्योंकि अभी मैं लेट करूंगा तो यार बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हेलो गाइस, यार कल जो रात को खाना वाना खा लिया था उसके बाद यार मेरा फ्रेंड आ गया था, तो उसके बाद ना हम लोगों ने पार्टी वार्टी कर ली थी थोड़ी सी, और उसके बाद यार इतनी ज़्यादा नींद आई थी ना, तो मेरे को वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी का जो ये जो चीज़ शूट हो रहा है वो मैं कल रात से मतलब एंड हो गया था, तो वो मैंने वहाँ पर डाउन कर दिया था वीडियो। और अभी मैं दोपहर से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, 12 बजे उठा हूँ यार। 12 बजे उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुआ, नहाया धोया, जैकी को घुमाया, तो आज नाश्ता भी नहीं किया गाइस यार, क्योंकि लेट हो चुका था। तो अब डायरेक्ट दिन का लंच ही करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने अपने लिए तो कुछ बनाया निकल, रात के चावल बच गए थे, तो मैं उसको अभी फ्राई व्राई कर लूँगा थोड़ा सा, अभी और कुछ बनाने का मूड है नहीं। पर जैकी के लिए तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने जैकी के लिए रोटियाँ तैयार की हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं बनाऊँगा रोटी, और मैं एक साथ ही रात के लिए भी बना लेता हूँ जैकी के लिए। तो आप देख लो, ये यहाँ पे पूरा पूरा सेटअप पड़ा है, और किचन में इतनी लाइटिंग है नहीं, तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है। फिर भी मैंने रिंग लाइट वगैरह लगा रखी है यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी हो जाए। अभी बनाते हैं जैकी की रोटी, तो फटाफट से ये गैस पे ऑन कर लेता हूँ मैं। तो गाइस गैस यहाँ पे ऑन हो चुकी है अभी, और इसको गर्म वर्म कर लेंगे अभी। तो गाइस फाइनली हमारी जो रोटी है वो बन चुकी है, और ये रही सारी की सारी रोटियां, पूरी कंप्लीट कर दी है मैंने। अभी मैं जैकी को खाना खिलाऊंगा फ्रेंड्स, उसके बाद अपने लिए मैं जो क्या बोलते हैं यार, फ्राई चावल बनाऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं उसमें, टमाटर प्याज वगैरह मिक्स विक्स करके जो भी करना है कर दूंगा, फटाफट से खा लूंगा, और उसके बाद थोड़ा सोऊंगा यार। वीडियो एडिट करनी बाकी है आज की, ताकि आप लोग टाइम पे वीडियो देख सकें। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी जैकी खाने का टाइम हो चुका है, ये देखिए जैकी बहुत एक्साइटेड है। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ। तो गाइस यहाँ पे मैं जैकी को खाना दे देता हूँ, और जैकी अभी खाना खा लेगी। तो गाइस अभी मैं बनाऊंगा अपने लिए जो फ्राई चावल है वो बनाऊंगा, और उसके बाद मैं खाऊंगा। बहुत भूख लग रही है, 3 बज चुकी है, आप देख सकते हैं 3:15 का टाइम हो चुका है घड़ी में, और अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। तो गाइस मैं फटाफट से बना लेता हूँ और आपके साथ में एंजॉय करूंगा खाना। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो है ये फ्राइड जो चावल हैं वो बन चुके हैं, और अभी मैं इसको बढ़िया से ना नींबू निचोड़ के खाऊंगा, नींबू निचोड़ के। सोच रहे तेरी आना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली खाना जो है वो खत्म हो चुका है, पेट भर गया यार, डकार कर चुके हैं। तो गाइस अभी चलते हैं किचन की तरफ, किचन में लाइट बंद कर दी थी, और यहाँ पे यार बर्तन वर्तन इकट्ठे हो गए हैं बहुत, ये भी एक थाली भी इकट्ठी हुई है, तो अभी रात को धोऊंगा यार इसको मैं। तो गाइस अभी खाना वाना खाने के बाद अब थोड़ा सोऊंगा यार, उसके बाद ना अभी जैकी घुमाने का टाइम भी हो जाएगा शाम को, तो फिर से वही डेली रूटीन पूरा मतलब वही रहेगा मेरा। तो आई होप आप सबको ये मेरा जो बोरिंग डे है वो देख के बहुत बोरिंग लगा होगा। तो गाइस अगर बोरिंग लगा तो गाइस फटाफट जाओ डिसलाइक कर दो वीडियो को, और भाई कुछ ना कुछ करो यार, लाइक करो तो लाइक करो, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक भी करो यार, पर कुछ करो यार, खाली खाली वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं क्या नहीं आ रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करना, कमेंट बताना क्या वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।